गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट वन के टॉपिक एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शों के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम अनंत स्पर्शियां क्या होती है। अनंत स्पर्शियां होती है यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित है तथा जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा प्रवृत्त हो, जबकि संपर्क बिंदु की दूरी मूल बिंदु से अनंत की ओर अग्रसर होती है, उसे हम सरल रेखा उस सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। अगला है त्रिक अनंत स्पर्शी क्या होती है। हम इसको अनंत स्पर्शी को दूसरी भाषा में ये भी ले सकते हैं कि जब किसी वक्र का कोई बिंदु P जो है वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चले और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से P की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, तब वह सरल रेखा वक्र की एक अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। और जो अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं होती है वह त्रियक अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो दोनों डेफिनेशन के अंदर आ गई है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अनंत स्पर्शी याद करने की जो प्रोसीजर है, जो वर्किंग रूल है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि सर्वोत्तम दी समीकरण से x तथा y के उच्चतम घात के गुणांकों के वास्तविक एक घाती गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर x तथा y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे, यानी x और y अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है हमें। तो x और y के उच्चतम घात के गुणांकों के वास्तविक एक घाती गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर रख दें तो हमारी अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी आ जाएगी। यदि इस प्रकार की अक्षों के समानांतर स्पर्शी की संख्या वक्र के समीकरण की उच्चतम घात से कम है तो अन्य तिर्यक अनंत स्पर्शी हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। उसको निकालने का प्रोसेस है हमारे कि जो हमें समीकरण दी गई है उसकी उच्चतम घात n के पदों में यानी x इक्वल टू वन तथा y इक्वल टू m प्रतिस्थापित कर फाई एन एम हम ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है फाई एन एम को शून्य के बराबर रखकर प्राप्त समीकरण फाई एन एम बराबर जीरो को n के लिए हल करेंगे। माना फाई एन एम बराबर जीरो से प्राप्त जो मूल है हमारे एम वन एम टू एम अप टू एम एन आदि होंगे, उन्हें एन माइनस वन घात के पदों में एक्स इजिकल्स टू वन और वाई इजिकल्स टू एम प्रतिस्थापित कर फाइव एन माइनस वन एम ज्ञात करेंगे, जिससे हम सी निकालेंगे। सी इजिकल्स टू माइनस हमारे पास फॉर्मूला है फाइव एन सी इजिकल्स टू माइनस फाइव एन माइनस वन एम अपॉन फाइव एन डैश एम। इसमें एम के जो वैल्यूज आई है हमारे पास रूट्स जो आए हैं एम वन एम टू को रखकर हम सी के भी वैल्यूज भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे सी वन सी टू अप टू। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब जो हमारे पास अभिष्ट अनंत स्पर्शीय अब जो हमारे पास m1 m2 m3 की जो वैल्यू आई है और c1 c2 c2 की वैल्यू आई है वो हम समीकरण में रख देंगे y इक्वल्स टू m1 m1 x + c1 y इक्वल्स टू m2 x + c2। इस प्रकार से हम अनंत स्पर्शियां ज्ञात कर लेंगे, मतलब m की जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू c की आएंगी और उससे हम उतनी अनंत स्पर्शियां ज्ञात कर लेंगे। यदि समीकरण यदि हमारे पास समीकरण में फाइव एन एम बराबर जीरो के दो मूल यदि इक्वल आते हैं तो c का मान निकालने के लिए हमारे पास समीकरण दूसरी हो जाएगी। c का मान हम निकालेंगे सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाइव एन डबल डैश एम प्लस सी फाइव एन माइनस वन डैश एम प्लस फाइव एन माइनस टू एम इजिकल्स टू जीरो। ऐसी स्थिति में समानांतर अनंत स्पर्शी का एक युग्म प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट यदि फाइव एन एम बराबर जीरो के हमें तीन मूल समान है तब हमारे पास सी निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाएगा सी क्यूब अपन फैक्टोरियल थ्री फाइव एन ट्रिपल डैश एम प्लस सी स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू फाइव एन माइनस वन डबल डैश एम प्लस सी फाइव एन माइनस टू डैश एम प्लस फाइव एन माइनस थ्री एम इजिकल्स टू जीरो। यदि वक्र ये निकाल करके से सी की वैल्यू निकाल करके हम वाई इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी में रख देंगे अलग अलग वैल्यूज तो हमारे पास अनंत स्पर्शी आ जाएगी। अब है नेक्स्ट स्टेप हमारा, यदि वक्र के समीकरण यदि हमारे पास इस रूप में प्राप्त होता है कि एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इजिकल्स टू जीरो है जहां एफ एन एन घात का है तथा एफ एन माइनस टू अधिक से अधिक एन माइनस टू घात का है तो एफ एन के प्रत्येक घाती गुणनखंड को शून्य के बराबर रख देने पर अनंत स्पर्शी निरीक्षण से ही प्राप्त हो जाएगी, बशर्ते कि एफ एन के किसी भी अन्य रैखिक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखने से प्राप्त सरल रेखाओं में से कोई दो उसके समानांतर या संपाती नहीं होनी चाहिए। ये हमारा अलग था कि यदि हमें समीकरण एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो रूप में है तब हम कैसे निकालेंगे। अब यदि हमारी वक्र की जो समीकरण है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपन एक्स प्लस बी अपन एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन रूप में प्रकट किया जा सकता है तो अनंत स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट यदि हमारे पास समीकरण है वक्र का वाई माइनस ए एक्स इंटू एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो रूप में दिया हुआ है तो हमारे पास अनंत स्पर्शी हो जाएगी वाई माइनस ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई अपन एक्स टेंडिंग टू ए
पी एन माइनस वन अपन एफ एन माइनस वन इज टू जीरो से प्राप्त होगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हम अनंत स्पर्शिका कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिका ज्ञात कीजिए। वक्र की समीकरण में दी हुई है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री बराबर जीरो। इसमें अक्षों के समानांतर कोई अनंत स्पर्श नहीं है हमारी। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करने के लिए ले लेंगे इसको फाइव, क्योंकि उच्चतम घात तीन है तो फाइव थ्री एम ले लेंगे, फाइव थ्री एम हो जाएगा। हमें सबसे पहले समीकरण ले लेते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री बराबर जीरो। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था कि यदि हम के हमारे अक्षों के समानांतर कोई अनंत स्पर्श नहीं है, तो ये अनंत स्पर्श है, तब हम क्या करेंगे, उच्चतम घात एन के पदों में एक्स इक्वल टू वन व वाई इक्वल टू एम पुट करेंगे, तब हमारे पास ये हो जाएगा फाइव थ्री एम बराबर यहाँ एक्स की जगह वन प्लस थ्री एम माइनस फोर एम क्यूब। फाइव थ्री एम निकालना है इसलिए यहाँ तक स्टेप आएगा। नेक्स्ट फाइव टू एम निकालना है, टू स्क्वायर वाली कोई टर्म है नहीं इसलिए फाइव टू एम जीरो हो जाएगा, और फाइव वन एम जो है वो हमारे पास हो जाएगा एम माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि हमें फाइव थ्री एम बराबर जीरो रखना है, इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा वन प्लस थ्री एम माइनस फोर एम क्यू बराबर जीरो। और इसके रूट्स निकाल लेंगे तो एम की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी वन माइनस हाफ और माइनस हाफ। अब हमारे दो रूट्स इक्वल है तब हमारे पास पहले एम इक्वल टू वन के लिए हम सी निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है माइनस फाइव एन माइनस वन एम अपॉन फाइव एन डैश एम। तो यहाँ हम एक फाइव थ्री डैश एम भी निकाल लेंगे, हमारे पास फाइव थ्री डैश एम हो जाएगा वन, सॉरी वन क्यों होगा, ये हो जाएगा थ्री माइनस करती है बारह एम स्क्वायर। ऑल राइट, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस फाइव डैश, हमारे पास फाइव डैश फाइव एन माइनस एम टू है, फाइव टू एम है जो कि हमारे पास वैल्यू जीरो है अपॉन ये हो जाएगा थ्री माइनस ट्वेल्व एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू जीरो आएगी सी की, यानी एम इक्वल टू वन है तो सी हमारे पास जीरो है। अब चूंकि एम इक्वल टू माइनस हाफ है तब हमारे पास सी का इक्वेशन हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाइव थ्री डबल डैश एम प्लस सी फाइव टू डैश एम प्लस फाइव वन एम बराबर जीरो। इससे निकालेंगे हम तो हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव थ्री डबल डैश, फाइव थ्री डैश एम दे रखा है, फाइव थ्री डबल डैश एम भी हम यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर एम। तो यहाँ हमने वैल्यू रख दी इसमें माइनस ट्वेंटी फोर एम प्लस सी इन टू फाइव टू एम ही जीरो है तो फाइव टू डैश एम भी जीरो ही होगा प्लस फाइव वन एम है हमारे पास एम माइनस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, एम की वैल्यू हमने यहाँ रख दी माइनस हाफ तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व, एम की वैल्यू हाफ रखी तो हो जाएगा सिक्स सी स्क्वायर, और यहाँ हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ हो जाएगी। एक मिनट इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ आ जाएगा माइनस ट्वेल्व एम सी स्क्वायर प्लस एम माइनस वन बराबर जीरो, एम की वैल्यू हाफ माइनस हाफ रखी तब हमारे पास सी की दो वैल्यूज आ जाएगी हाफ और माइनस हाफ। इट मीन्स हमारे पास जो अनंत स्पर्शिका हो जाएगी वो हो जाएंगी, सॉल्व कर लेंगे हम, तो वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन
y इजिकल्स टू एम टू एक्स प्लस सी टू, और y इजिकल्स टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री। यहाँ पर हमारे पास m इक्वल टू वन रखने पर सी जीरो आ रहा था, तो यहाँ आ जाएगा y इजिकल्स टू एम इजिकल्स टू वन रखें तो x आ जाएगा, प्लस जीरो है तो यह y बराबर x हो गया। यहाँ आ जाएगा y बराबर एम टू माइनस हाफ था हमारे पास, इंटू एक्स प्लस सी टू की एक वैल्यू हाफ आ रही है और दूसरी वैल्यू माइनस हाफ एक्स पर माइनस हाफ आ रही है, तो ये हो जाएगा वाई इजिकल्स टू माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ, और ये जाएगा वाई इजिकल्स टू माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ, तो ये वाई इजिकल्स टू एक्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा टू वाई प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, और ये हो जाएगा टू वाई प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो हमारे पास ये तीन अनंत स्पर्शियां इसके अंदर प्राप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न वक्र की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर वन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें सॉल्व करने के लिए। हम मान लेते हैं वक्र की समीकरण जो है हमारे पास हो जाएगी, इसका एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू जीरो, समीकरण एक नाम दे दिया, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब हमें एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को शून्य के बराबर रखेंगे। तब हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो, इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा वाई की प्लस माइनस बी, ये एक अनंत दो अनंत स्पर्शियां हो जाएंगी। और वाई अक्ष के समांतर निकालना है हमको, अनंत स्पर्शी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को शून्य के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास आ जाइए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल्स टू जीरो, यानी एक्स इजिकल्स टू प्लस माइनस ए। अब हमारे पास चूंकि जो कर्व है इसकी कोटि हमारे पास चार है, तो चार से अधिक स्पर्शी नहीं हो सकती, तो हमारे पास अनंत स्पर्शी हो जाएगी वाई इजिकल्स टू बी वाई इजिकल्स टू माइनस बी एक्स इजिकल्स टू ए और एक्स इजिकल्स टू माइनस ए, ये चार अनंत स्पर्शियां इस तरीके से अक्षों के समांतर हम निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं निरीक्षण विधि वाला कि क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न वक्र की अनंत सभी अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, y माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री वाई माइनस टू एक्स थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव बराबर जीरो। सॉल्व करने के लिए समीकरण को ऋण रूप में ले सकते हैं, y माइनस टू एक्स हमने यदि कॉमन निकाल लिया थ्रू आउट, तो हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री और ये माइनस फाइव बराबर जीरो, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। तब हमारी समीकरण है वो है जो कि एफ थ्री प्लस एफ जीरो रूप की है, जो बराबर जीरो रूप की है। तो निरीक्षण मात्र से अनंत हमारे पास हो जाएगा, से अनंत स्पर्शी हो जाएगी एफ थ्री बराबर जीरो। सॉरी, तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस टू एक्स और थ्री एक्स प्लस फोर वाई
वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, इट मीन्स हमारे पास अनंत स्पर्शी हो जाएगी वाई माइनस टू एक्स बराबर जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर जीरो और वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।